जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे इस संगीतन चैनल पर। यह मार्गशीर्ष मास चल रहा है जो कि एक उत्तम मास माना जाता है। अब शुक्ल पक्ष की जो एकादशी मार्गशीर्ष महीने में पड़ती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के महात्म्य के बारे में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामिन यह सब यथार्थ रूप से बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति नाम की उत्पन्ना एकादशी होती है जिसका वर्णन हमने कर दिया। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूँगा जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, उसका नाम है मोक्षदा एकादशी जो सब पापों का अपहरण करने वाली होती है। राजन, उस दिन यत्नपूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और अस्तुत के द्वारा जागरण करना चाहिए। उसके पितर जिस व्यक्ति के पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं, पूर्व काल की बात है। वैष्णों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में बैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीचे यौन में पड़े हुए देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और दुख भी बहुत हुआ। प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का पूरा वृत्तांत सुनाया। राजन बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे, तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन होते हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहां जाऊं, क्या करूं, यह विचार हमेशा मन में आता रहता है। मेरा हृदय रुधा जा रहा है। द्विजोत्तमो, वह व्रत और वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हों, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास ले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहाँ उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, मुन के चरणों को स्पर्श किया। मुन ने भी राजा से राज के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के सातों अंग कुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न देखा है कि मेरे पितर नरक में हैं, अतः बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनको वहाँ से छुटकारा मिलेगा। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। उसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो, उसका पुण्य पितरों को दे डालो, उस पुण्य के प्रभाव से उनको नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा बैखानस ने मुनि के कथनानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत की करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह मोक्ष देने वाली
मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली है। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण।